नीम के फूल 10 ग्राम और मिश्री पीसकर पीने से नमोनिया आदि की बीमारी में फायदा होता है। गर्मी के सिर दर्द में और कमजोरी में सूखा धनिया रात को भिगा दे, सुबह घिस के रात को भिगा दे, शाम को और रात्रि को घिस के माथे पर ले लगाए तो सिर की गर्मी कमजोरी दूर हो जाएगी। दिन में भी लगा सकता है, रात में लगाए जैसा अनुकूल पड़े। सूखा धनिया पीस कर घिस के माथे पर लेप करने से सिर की गर्मी और सिर दर्द में आराम होता है। केसुड़े के फूलों का पानी का लेप करने से भी आराम होता है। ध्यान से सुनना, धनिया आंवला और मिश्री सब बराबरी के लेके एक एक बराबरी का चूर्ण बना के रख दिया। एक चम्मच रात को भिगा दे, सुबह ले मसल के पिए। सिर दर्द और मगज की गर्मी में आराम होगा और बल आएगा। एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम को भी ले सकते हैं। धनिया आंवला और मिश्री तीनों को पीस कर रख दें, एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम को पानी के साथ लेने से सिर दर्द और कमजोरी दूर होती है और गर्मी दूर होती है। एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम को लेने से पित्त जन्य और मूत्र में दाह और सपन दोष, नक सिर, नाक से फूटना, खून आना, लू लगना, इस सब में आराम हो जाएगा। धनिया का रस दो बूंद नाक में डालने से भी नक सिर में आराम होता है। तुलसी का रस नाक में डालने से भी आराम होता है। जिसको गर्मी लगे वो तरबूज अच्छी तरह से खाए, मीठी लस्सी पिए। थोड़ा फूंसी हो गया हो तो पालक, गाजर और ककड़ी का रस, नारियल का पानी उपयोग में लाने से फूड़ी फूंसा ठीक हो जाता है। खून बढ़ाने में गन्ने का रस फायदा करता है, लेकिन डायबिटीज ना हो तो। बेल का फल, सूखा का चूर्ण गुर्दे का और मिश्री दूध में मिलाकर उबाल के पिए 3-3 ग्राम, तो भी बहुत फायदा होता है, खून बढ़ता है।